कमल देखिए कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन कीचड़ से निकल के वो भगवान के चरणों में चला जाता है और कीचड़ वहीं रह जाती है। ये एक जर्नी है, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जर्नी थी कि वो एक छोटे से समाज से निकले, मेहनत करी और मेहनत के बल पे वो आज देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। उसी तरह से एक छोटे से समाज से हमारी लड़की निकलती है और वो ऐसे समाज से निकलती है जिस समाज की सोच जो है लड़कियों के प्रति बहुत गलत है। जिस तरह से देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, उसी तरह से कमल जो है बचती भी है, पढ़ती भी है और हिंदुस्तान की एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ बनती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने हैं। वही जर्नी है हमारी कमल की, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। नहीं, कलाकारों की मॉडल बात चल रही है, ठीक है, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा। और बहुत हम लोगों ने स्क्रिप्ट के ऊपर मेहनत की है, म्यूजिक ऊपर की है, 6 गाने इस फिल्म के अंदर, और म्यूजिकल लव स्टोरी अलग इसमें यह कि ये रियलिस्टिक बेस कंसेप्ट है। इट्स ए कमल, इट्स ए रियलिस्टिक बेस ऑफ एक जर्नी ऑफ ब्रेव गर्ल, एक बहादुर लड़की की रियलिस्टिक जो जर्नी है। जैसे बायोपिक चल रही तो ये भी समझ लो उसे एक बायोपिक, उसके ऊपर हमने बहुत 2 साल से हम लोग ने मेहनत किया है। सिकंदर भाई ने मेहनत किया, हमारे जो राइटर विनोद शर्मा जी ने मेहनत की, हमने 2 साल रिसर्च किया उसकी। जैसे एक ऐसा गाँव है, उन्होंने जाकर वहाँ रिसर्च किया, आज भी उस गाँव में बच्ची पैदा होती है, लोग अपने बच्चे को सगे माँ बाप उसको बेच देते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर रियल कंसेप्ट में फिल्म बना रहा, कोई काल्पनिक नहीं, मेल और मेल का कोई कंसेप्ट नहीं होता, कंसेप्ट एक्चुअली कंसेप्ट चलता है। हमने कंसेप्ट को बहुत मेहनत की और इसका यूनिक कंसेप्ट है, डिफरेंट है, जो फिल्म में हम लोग कोई काल्पनिक फिल्म नहीं बना, रियल कंसेप्ट, रियल के ऊपर हम लोग मेहनत कर। देखिए, जैसे अभी सिकंदर साहब ने कहा कि जर्नी है, बेसिकली जर्नी ही है कि एक लड़की जो कीचड़ से निकल कर आसमान की ऊँचाइयों को छूती है और उस आसमान की ऊँचाइयों को छूने के अंदर जो उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हर्डल्स आते हैं, उन हर्डल से कैसे बाहर निकलती है, वो खेल है कमल का। और बस यही कहूँगा कि बाकी तो आप जब देखेंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें अगर हम डिटेल में बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। बस कमल की कहानी यही है कि कमल कीचड़ से खिलता है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी जाति पर या किसी धर्म पर या किसी विशेष समुदाय पर कुछ कहा गया हो, एक कहानी है। आपको पता होगा MP के पास भी एक छोटा सा विलेज है जहाँ से हम लोगों ने रिसर्च किया है, वहाँ पे लड़कियों को किस तरीके से बेचा जाता है, खुद उनके पेरेंट्स कैसे बेचते हैं, उन सारी चीज़ों को लेके एक ताना बाना बुना गया, एक कहानी बुनी गई और उसके बाद रिजल्ट्स तो सामने आएंगे जब आप फिल्म देखेंगे। देखिए, क्या है कि ये जो कीचड़ जो है उसके अंदर, क्योंकि हमारी जो लड़की है वो एक बहुत मुसीबत में फंस जाती है और इतनी ज़्यादा मुसीबत में फंस जाती है क्योंकि देखिए लड़कियों को हमेशा जो होता है दबाया जाता है। दबने की बात अब नहीं है, अब डट के मुकाबला करने की बात है, क्योंकि देखिए दबा करके कोई भी चीज़ ज़्यादा दबने से चींटी भी काट लेती है। यहाँ पर वो एक मजबूरी में होती है, उस मजबूरी के तहत वो कीचड़ उसका साथ देती है और उस कीचड़ में वो छुपती है और कीचड़ में छुपने के बाद वो उससे निकलती है और निकल के वो फाइट करती है उन देश के लोगों से जिनकी सोच जो है बड़ी छोटी है, और अपनी सोच को लोग बड़ा रखें इसके लिए वो आवाज़ उठाती है और वो कहती है सबका साथ है सबका विकास है। हमारी जो हीरोइन है उसका नाम है, वो एक छोटे समाज में पैदा होती है, उसका नाम कमला रखते हैं, कमला से वो कमल बन जाती है जब बड़े शहर में आती है और वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ बनती है। जैसा कि हमने बताया आपको, बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो बहुत ही छोटी सी मेहनत करके और आज देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये एक फैक्ट है जिसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से हमारी लड़की है जो बहुत छोटे से समाज से निकलती है, बचती है, लोगों से लड़ती है, लोगों की भावनाओं से, जब बच्चियां बड़ी होती हैं तो लोगों की नज़रें उन पर गलत जाती हैं, उन गलत नज़रों को पॉजिटिव करती है, वो कहती है मुझे बहन की तरह भी आप देख सकते हो, मुझे आप एक माँ की तरह भी देख सकते हो, रूप देखने के होते, क्योंकि लड़कियों में क्या होता है एक बड़ी अच्छी ऊपर वाले ने खासियत दी है, वो इंसान की नज़र से पहचान जाती हैं कि इंसान उससे क्या चाहता है। तो कमल एक ऐसी लड़की है जो निडर है, बहादुर है, ईमानदार है, वफादार है, देश के प्रति अच्छी है, देश की सभ्यता को लेके चलती है, देश के संस्कार को लेके चलती है, अपने संस्कार को लेके चलती है, हर चीज़ कमल में मौजूद है। और ऑर्डिनरी पीपल रीड हिस्ट्री, क्रेजी पीपल मेक हिस्ट्री। नॉर्मल आदमी किताबें पढ़ते हैं और जो क्रेजी होते हैं वो इतिहास बनाते हैं, तो कमल जो है वो क्रेजी है और वो इतिहास बनाती है। बहुत
बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और ये वुमेंस के ऊपर है कि कैसे उनको एम्पावरमेंट किया जाए। और मेरा नाम शाइना कौर है और मैं भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हूँ। मैं सेल्फ हरदीप कौर, सो मेरा एक पार्टी सॉन्ग है इसमें जो मैं एज अ मेन लीड में डांस कर रही हूँ इस फिल्म में, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। एंड इसमें ये है कि एक जो स्टोरी है जो हम बता रहे हैं कमल की, जो एक वुमन एम्पावरमेंट के लिए है कि कैसे आजकल के मॉडर्न शहर में भी आजकल लड़कियाँ सेफ नहीं है, तो हम वो दिखाएंगे कमल कैसे कीचड़ से निकल के कैसे वो सक्सेसफुल बनती है, तो उस पर एक स्टोरी है। थैंक यू जी, ये कहानी बहुत ही अच्छी है और ये एक लड़की के ऊपर है जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था, वो कहाँ से आदिवासियों के उधर से आती है और यहाँ के लोग उसे कैसे लूटने की कोशिश करते हैं उसको, उसके ऊपर है और उसका भोलापन उसमें दिखेगा, पर फिर भी इन सब कीचड़ के लोगों के बीच में भी वो खिलती है, वो अपना भोलापन अपनी मासूमियत नहीं छोड़ती है, जैसे कमल होता है, कमल के ऊपर कोई पानी की बूंद टिकती नहीं है जबकि वो कीचड़ में खिलता है और उसके ऊपर कीचड़ की बूंद नहीं खिलती, वो सबसे निर्लेप रहती है, ये उसके ऊपर कहानी। मैं सपोर्टिंग रोल में कर रही हूँ, मैं सृष्टि सिंह एंड मेरा इस मूवी में सेकंड लीड रोल है। मेरे कैरेक्टर का नाम है टीना एंड ये एक पूरी मॉडल लड़की है जो एक मॉडल है और कमल की वजह से इसमें थोड़ी अनबन हो जाती है। मैं बहुत खुश हूँ इस मूवी में जुड़ने से, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं प्रे करूँगी कि हिट हो जाए। माई नेम इज़ साहद सिंह एंड द मूवी हैव अ रियली ब्यूटिफुल स्टोरी एंड इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट अबाउट द स्ट्रगल ऑफ अ गर्ल एंड हाउ शी गोज फ्रॉम अ टोटली ruler girl to an amazing model where even the established models have been terrified about her presence. So it's a pleasure to be a part of this movie and representing my talent over here. So yes, it's gonna be an amazing movie. I hope it's a hit. Thank you. Nahi. ऑब्वियसली करना पड़ेगा, केसर में है, केसर में पहनने के लिए भी कॉस्ट्यूम, ऑब्वियसली केसर में खेलने के लिए भी कॉस्ट्यूम होते हैं, पानी में खेलने के लिए भी कॉस्ट्यूम होते हैं, धूप में खेलने के लिए भी होते हैं, बारिश में खेलने के लिए भी होते हैं, हर चीज़ के लिए कॉस्ट्यूम तो होते ही है, बिना कॉस्ट्यूम के मूवी नहीं बनेंगे, कॉस्ट्यूम से ही बनेंगे। एक्चुअली ये मूवी में आई एम ए मेकअप आर्टिस्ट और काफ़ी लुक जो रहेंगे एज ए मॉडल, एज ए हीरोइन, एज ए लीड रोल, तो वो अलग अलग क्या हमको कॉन्सेप्ट देने का है तो उसके बारे में जैसे जैसे मूवी में सब लोग आगे बढ़ेंगे जो जो रोल मिलता जाएगा अकॉर्डिंगली सूट हम लोग मेकअप में आगे बढ़ते जाएंगे। कमल फिल्म का म्यूज़िक बहुत ही खूबसूरत बनेगा, लेकिन अभी मैं ऑन बोर्ड आया हूँ, अभी स्क्रिप्ट वगैरह मैंने सुनी है, अभी काम सारे स्टार्ट होने वाले हैं, जल्दी जैसे गाने शेप ऑफ होके आते हैं तो आपके सामने आएंगे। कौन से होंगे, ये 5-6 गाने होंगे जो बहुत ही बेहतरीन होंगे और फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी अच्छे सिंगर्स हैं, जाने माने सिंगर, सारे इस फिल्म के अंदर होंगे। मेन प्लेयरों में से एक प्लेयर हमारे एहसान खान साहब भी हैं जो इंस्पेक्टर भूप सिंह का कैरेक्टर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है भाई, क्योंकि हमारे भाई की फिल्म है, सिकंदर भाई हमारे बड़े भाई गार्जियन, जब भी वो काम करते हैं सबसे पहले याद करते हैं कि एहसान भाई करेंगे, वो प्यार है उनका, तो मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ उनके लिए जब भी आवाज़ आती है। और इस फिल्म में उन्होंने बहुत अच्छा रोल दिया मुझे, पुलिस ऑफिसर का, जो बहुत ही करप्टेड है, बहुत ही मतलब क्रिमिनल माइंडेड है, मतलब क्या कहेंगे उसको एक शब्द में कि मतलब किसी की सुनता नहीं है, अपनी मनमानी करता है, बड़े बड़े मंत्रियों का हाथ है उसके सर पे। नहीं विलेन की तरह है लेकिन करेक्टर अलग है, हर करेक्टर अलग अलग होता है, ये भी करेक्टर अलग है और फिल्मों से मैंने अब तक जितना भी निभाया है जो रोल उससे अलग है ये। मेरे करेक्टर के बारे में तो सिकंदर भाई अगर कहें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ही नोज मोर अबाउट इट। मेरे पास अभी स्क्रिप्ट नहीं आई है, बट डेफिनेटली सिकंदर भाई अगर कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही काम कर रहे होंगे, तो इसलिए आई एम ऑलवेज विद हिम, मैं तो उन्होंने बुलाया एंड आई एम हियर लाइक दैट। भाई की फिल्म शुरू हो रही है, ये तो काफ़ी वक्त से जो है सिकंदर भाई लगे हुए थे इस फिल्म के लिए और बहुत कमाल की स्टोरी है जो इन्होंने खुद लिखी है, मुझे सुनाया जब इन्होंने तो मुझे वाकई बहुत पसंद आई, बस उम्मीद है कि वो अच्छी बने और आप लोगों तक पहुंचे। लेकिन बहुत खूबसूरत गाना ये है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ आज मुबारकबाद देने के लिए सिकंदर भाई को,
और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत कमाल की बनाएंगे, क्योंकि जिस शिद्दत और जुनून से लगे हुए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 100% बहुत कमाल बनेगी। रोमांटिक गाना एक मैंने लिखा है कि तुझको नज़र में भर रखा है, आधा काम तो कर रखा है, आधा इश्क तू ले आना, आधा मैंने कर रखा है। सिर्फ मैं अनस खान, टेलीविज़न का एक्टर, ये हमारे भाई है, सो इनकी फिल्म कमल जैसे आप पोस्टर में देख सकते हैं भाई हमारे एकदम छाए हुए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि फिल्म अपनी अच्छी बने और लोगों को पसंद आए। सो पहला स्टेप ले लिया है, अभी लंबा सफ़र है, सो इंशाल्लाह वो भी कवर अप होगा। अनस ही इज़ प्लेइंग अ मेन लीड हीरो इंशाल्लाह इन माय मूवी। ऑलरेडी दो फिल्में इनकी और फ्लोर पे हैं, तीसरी फिल्म कमल हो जाएगी जी, इंशाल्लाह कमाल हो जाएगा। इनको दो महीने का टाइम दिया है वेट कम करने के लिए। वेट ऑलरेडी कम है इनको, चाहिए कि मैं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाऊँ तो फिर मैं उस पर वर्कआउट करूँगा। शो को ब्रजेश त्रिपाठी का नमस्कार। आज जिस फिल्म का मुहूर्त हो रहा है कमल, नाम से ही आप लोगों को लग गया कि कमल कीचड़ में खुलता है, तो इस फिल्म को मिर्जा साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये रेहान साहब डायरेक्टर हैं। आप सबकी दुआएं चाहिए, आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए, थैंक यू। मैंने जो गाना किया है वो एक सूफियाना गाना है और गाना बहुत सिचुएशनल है, और मुझे नवाब राजा जी जो इस फिल्म के कंपोज़र हैं, इस गाने के कंपोज़र हैं, उन्होंने पहले मुझे ये गाना व्हाट्सएप किया, मुझे भेजा और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक अरेबिक स्टाइल का सूफियाना गाना, उसका जो अरेंजमेंट है थोड़ा सा अरेबिक है और काफ़ी अलग अलग सिचुएशन है हर अंतरे की, तीन अंतरे हैं इसमें, और मैंने इसको बहुत शिद्दत के साथ गाया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये गाकर। आई होप जब ये गाना रिलीज़ होगा तो सुनने वालों को भी उतना ही मज़ा आएगा जितना मुझे गाने में मज़ा आया। बहुत अच्छा तालमेल है, जैसा एक कंपोजिशन की डिमांड होती है या एक फिल्म की डिमांड होती है, सिचुएशन की डिमांड होती है, मुझे पूरी कहानी पता नहीं है इसकी, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी सिचुएशनल है और जो कहानी की डिमांड है उस तरह से रदीफ और काफिया जो है वो इस गाने का वो बहुत ही कमाल का है। और मैंने जैसे कि सूफियाना गाने और भी गाए हैं बहुत सारे, लेकिन ये गाना भी एक उन्हीं गानों के साथ में एक शामिल हो जाएगा, एक अच्छे गानों के साथ। मेरे बड़े भाईजान सिकंदर मिर्जा जी ने जब मुझे बुलाया और चैलेंज ये दिया कि भाई नवाब भाई, आपसे पहले मैं 10 लोगों को सुन चुका हूँ, राइटिंग में भी कंपोजिशन में भी, कितना मज़ा आया या नहीं आया ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, बट आप अपना क्या जलवा दिखा सकते हो उसके बाद मैं बताऊँगा। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था और मेरी ये खुशनसीबी कि या अली मौला अली मुझे मिली और ये इंशाल्लाह इतिहास रचे। ये 1.5 से 2 महीने की मेहनत है लिखने की और कंपोजिशन, जो आज सब लोग बोल रहे हैं या झूम रहे हैं और कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 2020 की सुपरहिट इंशाल्लाह कव्वाली होगी, तो हमारी दुआएं भी हैं और साथ भी है। तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा सिकंदर मिर्जा साहब का, रिहान खान साहब का जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर सिकंदर मिर्जा साहब हैं, और जो कमाल जो किया है मेरे छोटे भाई बड़े भाई, मैं जो भी बोलूँगा छोटे भाई में बोलता हूँ, तो म्यूज़िक में नवाब सबाब आफ्ताब, लिरिक्स मैंने किया है, भाई ने बखूबी निभाया है। वो एक कच्ची बिल्डिंग थी जो हमने तैयार की थी, अब जो जावेद भाई ने अपने सुरों के अनमोल तालमेल में जो बिठाया है रंग, वो जैसे एक इंटीरियर होता ना, एक इंटीरियर कच्ची बिल्डिंग को, फिर उसको पलस्तर किया, पुताई किया, फिर उसमें डेकोरेट किया, तो सोने पे सुहागा। मैं मुरीद हूँ भाई का। अरे और... नहीं और फिर ना देखिए, मुझे ना एक फ्लैट की याद आ रही है, एक बंगला याद आ रहा है, जिस तरह से इन्होंने कहा इंटीरियर किया और ना बहुत अच्छा पेंट किया और फिर रहने भी चले गए उसके अंदर, बहुत ही अच्छा। आपकी कंपोजिशन इतनी कमाल है और लिखा हुआ। सबकी सुनते हो तुम हो सबके वली, तुमसे आस लगी मेरे मौलाली, तुमसे आस लगी मेरे मौलाली, वली 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 मेरे मौलाली, मेरे मौलाली, मेरे मौलाली, मेरे मौलाली।